हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ जूबा साउथ सूडान के अंदर, और आज का दिन है संडे। संडे को हम जर्नी निकलते हैं बाहर, और अनीता आई हुई है आजकल मेरे साथ में जो मेरे को शूट कर रही है। पहले मैं अकेला होता था। गुड मॉर्निंग गाइज। हाय गाइज, सो हम फाइनली पहुँच चुके हैं रिवर नाइल के नज़दीक में, और ये है नया होटल एंड रेस्टोरेंट। इसका नाम है पीकॉक रेस्टोरेंट, और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और इस जगह की यादें हमारे से बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली क्यों जुड़ी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको देखिए पहले आप, कितना बढ़िया इन्होंने बनाया हुआ है। एक्चुअली मैं जब 2008 में आया था तो मैं इसी जगह के ऊपर आया था फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे एक होटल हुआ करता था सनफ्लावर के नाम से, जहाँ पर मैं एज ए जनरल मैनेजर आया था, और मेरे साथ में वीनू वगैरह थे और भी कई लोग थे। तो हमें हमारी यादें एक्चुअली बहुत सारी जुड़ी हुई हैं इस जगह से। तो आज कई साल के बाद यहाँ पे आए हैं, और ये किसी और ने जगह ले ली है, और बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, देख के काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ मैं। हमने 2-3 साल यहाँ पे निकाले, बहुत बढ़िया, और वीनू ने तो कई साल निकाले हैं। सो चलिए दिखाता हूँ आपको, रिवर नाइल का भी एक नज़ारा है यहीं से। यहाँ से देखिए रिवर नाइल इस तरह का नज़र आता है, बहुत ही प्यारा व्यू है। ग्रीनरी तो चारों साइड है ही है, जैसे आम के पेड़, हमने यहाँ पर आम भी बहुत खाए हैं किसी टाइम पर। और अच्छा इन्होंने बनाया है, लोकेशन बहुत बढ़िया है। अभी इतने लोगों को एक्चुअली पता नहीं है यहाँ पे कि एक नई जगह बन गई है यहाँ पे। जैसे जैसे पता लगेगा तो क्राउड भी बढ़ेगा। हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, और वीनू और अनीता तो बैठे हुए हैं, संडे एंजॉय कर रहे हैं। वीनू कैसा लग रहा है? बढ़िया है सर, इन लोगों ने तो बहुत अच्छा डेवलप कर दिया। यादें पुरानी ताज़ा हो गई अपनी है। तो हमने काफ़ी अच्छा टाइम निकाला है यहाँ पे। वीनू ने तो खैर कई साल निकाले हैं, तो हमारी तो यादें जुड़ी हुई हैं इस चीज़ से। उस टाइम ऐसा कोई नहीं होता था, उस टाइम तो एक कंटेनर में ही होटल थे ना। हाँ, उस टाइम एक्चुअली जो कंटेनर्स आए थे वो किसी और काम के लिए आए थे, रोड बनाने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया तो होटल खड़ी कर दी। अच्छा, और होटल भी बहुत शानदार तरीके से चला था, बढ़िया चल रही थी, बहुत कमाया पैसा भी। अच्छा, हाँ हाँ, पर किसी वजह से चल नहीं पाया ज़्यादा, पर अच्छा लग रहा है अब इतना कुछ डेवलप होने के बाद यहाँ पे जी। और ये तो नई जगह कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि 2008 में आप यहाँ पे थे, 2 साल रहे आप। हाँ, यही अच्छी बात। हाँ, तो देख ली हमारे, ताजा हो रही है, बोलते हैं यहाँ से छलांग मार के उधर दिखाओ ना। हाँ, ये यहाँ से हम लोग दूसरी जगह छलांग मारते थे। ये जो है ना होटल लाकोट है, उस टाइम तो हबीशा होटल के नाम से था ये, तो हम लोग यहाँ से कभी भी कूद के चले जाते थे। और ये देखिए ऑस्ट्रिच का छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, इन्होंने पाल रखा है, बहुत ही शानदार सा, और घूम रहा है हमारे आसपास, कुछ नहीं बोल रहा है। इन्होंने हैच किया एक्चुअली एग से, और अभी तो छोटा बच्चा, जब बड़ा हो जाएगा यहीं भी, हम भी यहीं होंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और ये रिवर नाइल का नज़ारा देखिए, सुंदर सा। आजकल शांत है, बारिशें वगैरह नहीं है अभी, वैसे तो बारिशों का टाइम है पर बारिश हो नहीं रही है। झूले वगैरह भी इन्होंने काफ़ी सारे लगा दिए हैं, बैठने का तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है एक्चुअली सब वहाँ पे। एक बाहर बार है, अंदर भी बार है, और होटल्स के रूम्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे बनाए हैं। उधर सामने रेस्टोरेंट है, तो चलिए देखते हैं। जब आपका था उससे तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, इन्होंने तो एक्चुअली सारा नया सेटअप है ना ये। हाँ, और जो अंदर जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की है वो बहुत ही शानदार की हुई है इन्होंने, नए अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये इनका रिजॉर्ट जो इन्होंने बनाया, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। और इस साइड इनके टॉयलेट्स वगैरह हैं, और ये रूम्स वगैरह हैं। तो हमारे भी ऐसे ही होते थे, मगर सेटअप थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। हमारे तो खैर कंटेनर्स होते थे, अब इन्होंने सारा पक्का कर दिया है। और गार्डन बहुत बढ़िया है, चारों साइड सिटिंग अरेंजमेंट है, ग्रीनरी है। आम के पेड़ तो खैर शुरू से ही हैं, बहुत आम खाए हम लोगों ने यहाँ पर। और वहाँ पर भी इनके रूम्स हैं, और ये इनके टॉयलेट्स हैं। चेंज देख के तो अच्छा लग रहा है, नहीं? बहुत बढ़िया। चलो गाइज, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा स्नैक्स मंगाया है, फिश फिलेट है, देखते हैं खाके कैसा है। और अभी हम आ गए यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट इन्होंने बड़ा शानदार बनाया हुआ है, और सीटिंग अरेंजमेंट ही बहुत शानदार है इनका। चारों साइड से देखिए बढ़िया सोफा सेट्स वगैरह लगे हुए हैं, और एसी चले हुए हैं बहुत बढ़िया अंदर। हालांकि कोई भी नहीं था यहाँ पे, मगर एसी चले हुए हैं सारे के सारे, और एक बड़ा सा स्क्रीन भी है अगर आपने मज़े लेने हैं टीवी वगैरह देखने के लिए, मैचेस वगैरह कुछ देखने हैं। और अंदर ही इनका एक छोटा सा मिनी बार भी है। तो अच्छी जगह है यार,
वैसे रेस्टोरेंट ऐसे होते नहीं है, रेस्टोरेंट में चेयर होती हैं, सोफे वाले रेस्टोरेंट मैंने बहुत कम देखे हैं। एक्चुअली जितनी भी अभी नई चीजें आ रही है ना तो सब वो लेटेस्ट एसी लगा हुआ है बाहर एक्चुअली। तो बाहर क्या है कि थोड़ा ग्रीनरी काफ़ी है तो इस करके वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह काफ़ी आते हैं, बट बाहर भी एक इनका डेडिकेटेड बार है। सो ये इनका ऊपर का जो एरिया है पीकॉक रिजॉर्ट का, वही इनका एरिया है, यहाँ पे आप पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं रात को, और बिल्कुल रिवर नाइल के साथ में ये है जगह। तो शाम को अगर आपने कोई पार्टीज़ वगैरह अरेंज करनी है तो यहाँ पर भी आप अरेंज कर सकते हैं आके, बहुत ही प्यारा व्यू है। सो ये बाहर से नज़ारा कुछ इस तरह का है पीकॉक रिजॉर्ट का। ये हमारी पुरानी यादें हैं यहाँ की सनफ्लावर टाइम की, सच्ची 2 साल रहे हैं आप यहाँ पे होटल सनफ्लावर के टाइम की। इन्होंने बड़े अच्छे रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया हुआ है, और अपना रेस्टोरेंट भी बहुत बढ़िया था। अगर आप इंडिया से घूमने आना चाहते हैं यहाँ पे तो बताएं हमें, पूरी हेल्प करेंगे आपकी। सही है पर आप कभी आना नहीं चाहोगे यहाँ? नहीं, जुबा में तो बहुत लोग आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो बिजनेस के लिए आना चाहते हैं। नहीं, बिजनेस के साथ साथ घूमने की तो जगह नहीं है खैर, बट कभी आते हैं तो घूमने की 2-4 जगह हैं यहाँ पे। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट करें, डीएम करें इनको डायरेक्ट। फोन नंबर दिया है आपने डिस्क्रिप्शन में? हाँ जी, हाँ जी, फोन नंबर क्या, ईमेल है मेरी, मेल है इनकी, मेल करें आप इनको तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इंडियन यहाँ पे बहुत ज्यादा आए ताकि हमें भी फायदा हो उस चीज का, हमें कंपनी मिलती है उस चीज की, अपॉर्चुनिटीज बहुत है इस देश के अंदर, ऐसा नहीं है। हम तो सर्विस क्लास बंदे हैं एक्चुअली, हम लोगों के बस का नहीं है बिजनेस करना, बट कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो यहाँ पे आके भैया बहुत अमीर हो सकते हो आप बहुत कम टाइम में। टफ है सिचुएशन, रहना बहुत टफ है, फैमिली के लिए सिचुएशन नहीं है यहाँ पे अच्छी, बट अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए बहुत पैसा है, सब मेहनत के ऊपर है, कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये न्यूएस्ट कंट्री है वर्ल्ड की और यंगेस्ट कंट्री, यहाँ पे यंगेस्ट कंट्री कहते हैं यहाँ पे, yes. 2011 में बनी है ये, तो आपको पता है अपॉर्चुनिटी ऐसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है। सही बात है, तो कोई भी आना चाहता तो इनसे कांटेक्ट करें, मोस्ट वेलकम एनी टाइम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम लोग बहुत गरीब लोग हैं बेचारे यूट्यूब पे, तो कोशिश करते हैं हम लोग दिखाने की, बट यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए होता है, एक्चुअली प्रोफेशन नहीं है यूट्यूब का, बट ठीक है, जो कुछ दिखा सकते हैं देश के बारे में वो दिखाते हैं, थोड़ा सा सोचते ताकि लोगों को पता लगे कि इस देश में है क्या एक्चुअली, बिकॉज साउथ सूडान को बहुत ही पिछड़ा देश माना जाता है, बट अभी ऐसी सिचुएशंस नहीं रही हैं और बहुत कुछ चेंज हुआ है इस देश के अंदर। तो मैं तो कहता हूँ सब लोग आके एक्सप्लोर करें एक बार यहाँ पे, और जो अपॉर्चुनिटीज आपको लगती हैं जिस फील्ड के अंदर उसके अंदर आके आप देखें, बिल्कुल किसी भी फील्ड में, कोई भी चाहता है किसी भी फील्ड में बिजनेस करना है, क्योंकि अपने पास तो इतने पैसे है नहीं, हम तो इसी में खुश है भैया, जो हमारे पास है उसी में खुश है हम लोग, बट हम औरों की हेल्प कर सकते हैं। सही है, तो देखिए, चलो ठीक है, बस सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, हाँ, ताकि और लोग भी यहाँ पे आए और अपना और लोग भी एक्सप्लोर कर सकें। क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रही हूँ सच में मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ कई बार देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, रिपीट होती रहती हैं, बट यार फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं ना हम लोग, अपनी पूरी जान लगा रखी है। जैसे आप लोगों को पता है कि इस देश के अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, पब्लिकली आप कुछ भी वीडियोज वगैरह नहीं बना सकते हो, और जो भी अगर कोई देखता भी है तो आपको एकदम से टोक देगा कि भाई ये मेरे देश में क्यों फिल्म कर रहे हो। तो चोरी छुपे जितना भी हम बना सकते हैं छोटा मोटा वो बनाते हैं और दिखाते हैं लोगों को इस देश के बारे में, ताकि ये देश भी ग्रो हो और आप लोग भी आए एक्सप्लोर करें यहाँ पे नई नई चीजें। अभी मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी तो वीडियो बना रही थी, ये कहते हैं मत बना, अगर तेरे को पकड़ के ले जाएंगे तो हम तो बोलेंगे हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हम चाहता कुछ ना करें जो कि मतलब इनकी नजरों में आए, और चोरी छुपे जो इतना बना सकते हैं छोटा मोटा वो बना के आपको दिखाते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर, ओके। और इसके साथ में ही जो है होटल रेडिसन भी है, 5-स्टार फैसिलिटी है ये भी यहाँ की, ये देखिए, तो होटल्स की कमी नहीं है यहाँ पे। ना ना, होटल तो अभी हम दिखाएंगे आपको, बिनू जी का होटल है वहाँ पे पनोरमा, बहुत बढ़िया होटल है, अच्छे रूम मिलेंगे और अच्छे रेट में मिलेंगे आपको, और डिस्काउंट भी देंगे आप, और वहाँ पे इंडियन खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा और ब्रेकफास्ट फ्री होता है वहाँ पे। क्यों बिनू? यस। तो अपने कोई इंडियंस आएंगे तो उनको सपोर्ट करना भाई। श्योर सर। हाँ, बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाएं, तो आए आपको मिले यहाँ पे, पूरा ध्यान रखें।
तो मैं तो चाहूंगा कि आए होटल पनोरमा पोर्टिको के अंदर आए। नहीं बहुत आते हैं यहाँ पे इंडियन, तो हम बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। बट उनको पता नहीं लगता कि भी इंडियन खाना कहाँ पे मिलता है या अपने इंडियंस कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, तो उस चीज़ की कमी है। बिकॉज जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम इन जुबा साउथ सूडान। तो हम पहुँच चुके हैं फाइनली वीनू के होटल में, होटल पनोरमा पोर्टिको। ऐसा कुछ बाहर से नज़र आता है। हाँ इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं इनके। चलिए चलते हैं। खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। हाँ इंडियन खाना तो है ही है इनका, और अपना इंडियन स्टाफ है सब जगह। दोनों फैसिलिटीज़ हैं, सीढ़ियाँ भी हैं और लिफ्ट्स भी हैं, तो जैसे आपका दिल करता है वैसे आप। हाँ ये चलता चुलता कम है ना एक्चुअली, ये तो इसलिए हमारे को पैदल लेके आ रहा है। फिलहाल रिसेप्शन की तरफ जाएंगे, फिर अंदर रेस्टोरेंट की तरफ। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पनोरमा पोर्टिको होटल, और यहाँ पे सब इंडियन खाना भी आपको मिलेगा और रूम्स वगैरह तो इनके पास है ही है। कितने रूम्स हैं विनू? 83 रूम्स हैं और सब बढ़िया रूम्स हैं जितने भी हैं। सब सारी क्वालिटी के जैसे डीलक्स है, स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ बेडरूम वाले भी हैं, डबल बेड्स वाले भी हैं। ओके और खाना इंडियन सारा मिल जाता है यहाँ पे, तो जो इसके अंदर है और जो हमारे वेजिटेरियन भाई जो आएंगे इंडिया से वो उनको भी वैरायटी मिल जाएगी, उनको सब वैरायटी मिल जाएगी। कुकिंग का वो है क्योंकि आपके पास जो कुक हैं वो एक नेपाल के हैं और इंडियन भी हैं। सो ये इनका छोटा सा मेन्यू है, मगर जो भी आप खाना चाहते हैं वो आपको सब मिल जाएगा। तो देखिए क्वालिटी सारी सारी हैं यहाँ पर। बार एरिया भी है, बार भी है, रेस्टोरेंट भी है, सब कुछ है। स्विमिंग पूल अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है। सो ये इनका रेस्टोरेंट का एरिया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी बाहर से आते हैं एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे आप। सो ये जो मैं आपको वीडियोस वगैरह दिखाता हूँ कई बार होटल्स वगैरह की या कुछ और, ये कोई प्रमोशंस नहीं है, ये सिर्फ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं यहाँ पे जो जहाँ पे काम करते हैं, तो मैं उनको थोड़ा प्रमोट करता हूँ ताकि अपने इंडियंस वगैरह आएँ उनको पता लगे, ताकि बिकॉज लोगों को पता नहीं है यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे इंडियन खाना मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। सो इस करके मैं ये प्रमोट करना चाह रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के थ्रू। मेरे को इसका कोई पैसा नहीं मिलता है, पेड प्रमोशंस नहीं है ये कोई भी। सो आप ये मत सोचिएगा कि मैं पेड प्रमोशन के थ्रू ये सब करता हूँ, सिर्फ लोगों को जागरूकता के लिए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें सब अवेलेबल हैं। तो बढ़िया सा रेस्टोरेंट है इनका यहाँ पे, एसी वगैरह सब लगे हुए हैं। सो प्लीज़ आएँ यहाँ पे और एक बार ट्राई ज़रूर करें। सो गाइज हम फाइनल निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। बढ़िया खाना खुना हो गया था वीनू के होटल में, अच्छा खाना खिलाया उसने। खाना अच्छा खिला नहीं था, सस्ता था बहुत ज़्यादा। ये है कि $20 में हमने सारा कुछ निपटा दिया था वहाँ। हाँ जहाँ हम रेस्टोरेंट में पहले गए थे वहाँ पे हमने एक फिश फिलेट ली थी हमने, वो थी $17 की। हाँ जी अभी हमने तीनों ने खाना खाया, वो हमारा $12 में। अब देखिए तो इतना फर्क है और बढ़िया खाना, इंडियन खाना मिला हमारे को वहाँ पे खाने के लिए। सो आपको जगह तो खैर खुद ही देखनी पड़ेगी कहाँ पे आपने खाना है कहाँ नहीं। जब हम जाते हैं रिवर नाइल के नज़दीक में तो नेचुरली वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं, इसलिए उनके रेट्स भी इसी तरीके से होते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है। बट ठीक है, बैठने की एक अच्छी जगह मिल जाती है आप लोगों को। सो आज का दिन हम लोगों का अच्छा रहा और काफ़ी गपशप वगैरह हुई हम लोगों की, कई चीज़ें हमने डिस्कस की वहाँ पर बैठ के, नई एक जगह भी देखी हम लोगों ने। सो चलिए अब निकलते हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं हम, और मिलते हैं जल्दी आपको एक अगले ब्लॉग के अंदर। और कुछ अच्छा होगा तो वो भी दिखाएंगे, नहीं होगा तब भी दिखाएंगे, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं दिखाने के लिए, सीधी सी बात ही है। हाँ तो जुबा ऐसी ही कंट्री है, तो इसका मज़ा लेते रहिए हम लोगों के साथ छोटे छोटे ग्रुप उसमें वीडियोज़ के अंदर। सो मिलते हैं जल्दी, डालेंगे हम, बहुत बड़ा नहीं डालेंगे हम, छोटा सा जितना कॉन्टेंट है उतना ही डालेंगे। पार्टी शार्टी चली होती है इनकी यहाँ पे ना, फंक्शन वगैरह जो होते हैं तो जनरली यहाँ पे शादी है, दो जगह दो साइड में है ना, टेंट्स वगैरह ये लोग बनाते हैं। और ये ऑटोज तो आपको देखो हर जगह मिल ही जाएंगे, चारों साइड ऑटोज ही ऑटोज हैं। सो चलिए मिलते हैं जल्दी आपको एक अगले ब्लॉग के अंदर। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं जल्दी आपको, ओके।